35 नंबर क्वेश्चन पर, ये सबसे इजी, सबसे सिंपल, सबसे सोना क्वेश्चन है। पांच नंबर का है ये, देखो याद रखो, आपको एकदम फ्री के नंबर देने के लिए आया। एक्स वाई जेड कुछ ऐसे कंपनी का नाम देकर के आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको बस इसमें बताया कि भाई इसमें एचआर है, A1 सेल्स है, ये है, ये मार्केटिंग है, एंड बस एक डायग्राम आपको दे दिया जाएगा। द कंपनी ऑल्सो हैज अ ब्रांच इन बैंगलोर। The management wants to connect all the division as well as all the computers for of each division. देखो इस ऐसे questions में ना आपको एक building का diagram होगा, एक कौन सी building किससे कितनी दूर है वो वाला diagram होगा, एक आपके पास में diagram होगा जिसमें the total number of computers होंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, कहते हैं कि suggest the topology and draw the most suitable cable layout for connecting all the divisions of Delhi branch. देखो अब इसमें आपके पास में क्या है कि दो तरीके हैं केबल लेआउट बनाने के। ठीक है, केबल लेआउट बनाने के आपके पास में कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। उस बेसिस पर आप टॉपोलॉजी सेट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे पहला तरीका आपके पास में कुछ भी नहीं, पहला तरीका ये वाला है, जैसे ऐसे कर लिया मैंने। पहले तरीके में क्या किया आपने, देखा कि एडमिन कहां पर है। ठीक है, क्या देखा आपने, एडमिन कहां पर है, तो एडमिन हमारा कहां है, ये है एडमिन। कैसे पता चला, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा, एडमिन का मतलब है एक तरीके से मैं सर्वर की बात कर रही हूँ, सॉरी मुझे सर्वर ही एक्चुअल में बोलना चाहिए था, एंड एडमिन मुंह से निकल गया, बट मैं सर्वर की बात कर रही हूँ और सर्वर हमारा कहाँ है, 110 है। ठीक है, मतलब 110 जिसमें कंप्यूटर है और A3 हमारा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, A3 कहाँ है, ये रहा, तो मैंने कहा सर्वर। अब मैंने क्या किया, सब कंप्यूटर को इसके साथ में जोड़ दिया। अब इनकी दूरी लिख लेते हैं, प्रोडक्शन से HR, यानी कि A3 से A1 कितनी हो गई, 25 मीटर। ठीक है, फिर A3 से A2, एंड विच इज 30 मीटर, एंड देन आपके पास में आता है A3 A4 कहां पर है, A4 ओके विच इज 20 मीटर। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर जो केबल लेआउट है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप करके आते हैं, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर स्टार टॉपोलॉजी आंसर करके आए, क्योंकि आपका देखो स्टार टॉपोलॉजी आंसर बन रहा है, बीच में आपका सर्वर है एंड इधर उधर कंप्यूटर्स। ठीक है, अब दूसरा जो है सबसे सटीक तरीका, विच इज आप क्या करो, इसके अंदर से सबसे कम दूरी ढूंढ लो। ठीक है, एक तो आपने ये ढूंढी पहला तो मैं ये करूंगी, फिर उसके बाद 25, देन ये बात। ठीक है, तो अब आपका A4 से A3 कितना है, A3 कितना था, 20। ठीक है, उसके बाद में 25 A2 से A4, 25 मीटर दे रखा है तो मीटर है ना। अब A1 से A3 विच इज 25। ठीक है, इसमें तार कम लग रही है आपकी, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप करके आओगे तो आप बस टॉपोलॉजी लिख करके आओगे, दोनों में से कुछ भी एक डायग्राम आप बना करके आ जाओगे, उस अकॉर्डिंग जैसी भी टॉपोलॉजी बन रही है तो आप स्टार या बस में से आंसर करो। ठीक है, अब ये कहते हैं कि सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर कनेक्शन प्रोडक्शन A3 विद बैंगलोर ब्रांच। A3 कहां पर है, दिल्ली में है। ठीक है, और हम बैंगलोर के साथ कनेक्शन बिठाने की बात कर रहे हैं, तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब ये कहते हैं कि विच डिवाइस कैन बी यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क ऑफ दिल्ली ब्रांच टू द इंटरनेट, दिस डिवाइस शुड बी एबल टू रिसीव डेटा, एनालाइज इट एंड देन ट्रांसमिट इट। तो रूटर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसने कहा ना रिसीव करता है डेटा, एनालाइज करता है और फिर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो रूटर, रूट डिसाइड करने वाला। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ हब एंड स्विच विद जस्टिफिकेशन। देखिए इसमें आप जो आंसर लिखेंगे वो एक ही आंसर होगा कि इसमें ईच बिल्डिंग एंड ब्लॉक, ठीक है, जो आपका ये सारी की सारी बिल्डिंग्स है ना, ईच बिल्डिंग, हर बिल्डिंग के अंदर क्या होगा, आप स्विच को है जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि स्विच से क्या होता है कि ट्रैफिक इतना जनरेट होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो हम ईच बिल्डिंग, हर बिल्डिंग के अंदर स्विच या हब है जिसको हम लगा रहे हैं। ठीक है, मेनी एम्प्लॉयज वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉप अप विद वर्क प्रेशर एंड हेंस वर शोइंग द स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। एचआर प्लान्ड टू कंडक्ट एन ऑनलाइन सेशन
विद अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट फ्रॉम मुंबई. आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो सजेस्ट द प्रोटोकॉल दैट विल हेल्प टू सेंड द वॉइस सिग्नल ओवर इंटरनेट टू कंडक्ट द सेशन सक्सेसफुली. ओके, तो इसके लिए आप जो है मतलब इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल, जैसे मैं यहाँ पर एक बार ना आपको अंडरलाइन करके बताती हूँ. अंडरलाइन करके मेंटल हेल्थ ऑनलाइन सेशन हो रहा है एक तो, ठीक है. आउट ऑफ द ऑप्शन बिलो सजेस्ट द प्रोटोकॉल. ओके, तो वॉइस सिग्नल्स के लिए तो एक ही है आपके पास में, विच इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, बस ये पांचों क्वेश्चन मलाई की तरह आपके हो गए, राइट. ओके.